मेरे बाइक पूरी खुल जाती है, बाइक का कोई सही पार्ट मिल जाता है। चलिए, और किसका बर्थडे है भाई ये तो बता दो। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। तो इतने सारे टायर्स है, यहाँ है, यहाँ है, एक दो इतनी लेयर यहाँ, ये पूरी वर्कशॉप है इनकी टायर्स की, और इवन अंदर भी गोदाम है। स्वागतम स्वागतम, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और यार आज छोटा ब्लॉग अभी घर से शूट हो रहा है, बट यार ये ब्लॉग ना थोड़ा कल का भी है कि मैं कल कुछ काम से गया हुआ था बाइक के रिलेटेड, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट काम है, अगर वो नहीं हो पाएगा ना तो ये समझो अपनी जो राइड की जो प्लानिंग कर रहा हूँ वो राइड बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो मुझे अभी चलना सबसे पहले उस काम के लिए, बताऊंगा क्या काम है बाइक में बैठते बताऊंगा, बट कुछ इससे पहले ही कुछ क्लिप्स है, पहले एक बार आप वो एंजॉय कर लो। आगे तो भाई कुछ भाई मिल चुके हैं यहाँ पे सारे हमारे सब्सक्राइबर्स है, और किसका बर्थडे है भाई ये तो बता दो। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। तो भाई भाई मिल गया था यहाँ पे, अब फॉलो कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेरा भाई, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना भाई, भाई के चैनल पे जाओ। बिल्कुल भाई मेरे भाइयों, चलो मेरा भाई हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हम भी चलते हैं, ये भी ब्लॉगर है ये भी। चलो यार, चलो भाई मेरे भाइयों मिलते हैं जल्दी। तो भाई ये ब्लॉग कुछ यहाँ से शूट हुआ है कि कुछ अपने भाई हैं वो मिल गए थे यहाँ पर हमें, और उन्होंने कहा भाई यार हमें भी लो ब्लॉग में। तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो ये भी काम है, तो मैंने कहा आज ये ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, स्वागतम स्वागतम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और यार ये देख रहे हो जो मैंने वो लास्ट ब्लॉग में दिखाया था ना, दिल्ली मुंबई प्रोजेक्ट का जो वर्क चल रहा है भाई, वो कुछ हमारे यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है, और इतना फास्ट स्पीड में काम चल रहा है ना, फास्ट मोड ऑन हो रखा है। ये आई थिंक की लास्ट डेडलाइन है, तो ये लास्ट जो फेज़ है ना दिल्ली का उसका काम चल रहा है, बाकी पीछे आगे बल्लभगढ़ से आगे रोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर ये काम रह गया अराउंड अराउंड मैक्सिमम बोलोगे तो 40 किलोमीटर्स का ये पैच है जो अभी रह गया, बट उसके बाद का सारा पैच कंप्लीटेड है। यार मेरे लेफ्ट साइड में रिव्यू देख रहे हो ना भाई, ये सारी रोड है जो बनने वाली है, इवन वहाँ पर जो पिलर आप देख रहे हो बने पड़े हैं, इसके और उधर रोड है, यहाँ पर कुछ बीच में कुछ हाईवे बनेगा और ये साइड की सर्विस लेन रोड होगी, और यहाँ बीच में फ्लावर्स बनते बनते आप बिल्कुल सीधा निकल जाएंगे आप दिल्ली मुंबई पे। तो यार अभी मैं जा कर रहा हूँ, अभी मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करवाना है अपनी बाइक में, अगर वो नहीं करवाते मानो मेरे बहुत सारे काम रुक जाएंगे, अगर मैं कहीं राइड पर जाता हूँ तो उसमें भी उससे प्रॉब्लम हो सकती है मुझे। मैं फिंगर्स क्रॉस करके बैठा हुआ हूँ कि यार मेरा ये काम जो है वो हो जाए, क्योंकि एक लॉन्ग राइड से पहले ना बहुत सारे काम होते हैं छोटे मोटे जो इंटरनल अपने तो होते ही होते हैं, साथ में ना ये आप मशीन से साथ मशीन पर ट्रैवल कर रहे हो, इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ, यही बाइक की कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है वो बताऊँगा क्या है। तो एक काम करते हैं, अब मैं आपको मिलूँगा सीधा सेक्टर 2 मार्केट में ही, और जो भी अपडेट होगा कि वो काम होता है कि नहीं होता। ये एक शॉप है, इधर एक शॉप है, उधर पीछे भी शॉप है, मतलब मैंने बहुत सारी शॉपें ढूंढी बट मेरे बाइक का ना जो सामान है मुझे मिल नहीं पाया। अंकल ये कैमरा ऑन है, आप आ रहे हो अभी? ओके धन्यवाद अंकल जी। जी भाई जी कैमरा है यार, बिल्कुल भाई। अरे मैं बाइक के टायर पता करने आया था, सेकंड हैंड टायर आगे वाला। अगले टायर हाँ मिल जाएगा, 180-170 होगा आपके पास? वही क्या है, 180-170 एक के टायर खड़ा। तो भाई मेरा ये कुछ आगे वाला टायर देखो कुछ ऐसा है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये आया था मैं देखने के लिए। दो तीन दिन भाई आपका नंबर होगा, आप नंबर दे दो मुझे तो मैं आपको डायरेक्ट पता करके आ जाऊँगा फिर, कि मैं आया हुआ दिल्ली से हूँ। नंबर डाल देना। कबाड़ी की मार्केट है पूरी सारे, मेरे बाइक पूरी खुल जाती है, बाइक का कोई सही पार्ट मिल जाता है। चलिए सही, एक बार देख लूँ भाई इधर से कैसी है। हाँ पुराने पुराने हैं, नए तो नहीं मिलेंगे। और इसका हमारे पास कुछ भी ना मिले। अच्छा इसका कुछ भी नहीं मिलेगा भाई जी, आप जैसे कुछ भी सामान चाहिएगा ना इसका भाई पर फोन कर देना, फोन कर लेंगे मंगा देंगे। चलो ठीक, मैं आपको नंबर, आपका नाम क्या है भाई जी? शाहिद। कुछ भी चाहिएगा तो और दो दिन में फोन करता हूँ, ठीक है भाई जी? बिल्कुल धन्यवाद मेरे भाई। okay.
फिर से आ चुके हैं हम लोग रोड्स पे और अपनी जो राइड का भाई जो प्रिपरेशन चल रही है ना भाई बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चल रही है कि टाइम है कम और यूज़ और काम है ज़्यादा करने के लिए मेरे पास। तो कल भी ये काम हो नहीं पाया था, आपने शायद क्लिप्स आपने देख लिए हैं कि कल भी मैं इसी काम पे लगा हुआ था पर वो काम बिल्कुल भी नहीं हो पाया। तो मैंने कहा यार आज मैंने अपने फ्रेंड को लिया और हम लोग निकल रहे हैं एक शॉप पे जहाँ से हमें अपनी बाइक का जो टायर चेंज करवाना है। अगर भाई मैंने वो टायर चेंज नहीं करवाया ना तो ये मानो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आगे राइड पे मेरे पास, क्योंकि मेरा आगे का जो फ्रंट टायर है ना भाई वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए मुझे टायर डलवाना ही पड़ेगा। और रीज़न क्या है ना यार, मैं नया टायर क्यों डलवा रहा हूँ, एक्चुअली क्या है मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही है जिसके चक्कर बिहाफ पे ना मैं सोच रहा हूँ अभी नया टायर ना डलवाऊँ, कि जो मुझे जो आगे कुछ काम करवाना है अपनी बाइक में तो उसके बिहाफ पे वो टायर भी पूरा ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा क्यों ऐसे पैसे वेस्ट करूँ, मैंने कहा सेकेंड हैंड टायर ले लेता हूँ। तो मैंने कहा एक सेकेंड हैंड टायर ले लेता हूँ जो अभी मेरे लो बजट पे ही आ जाएगा और काम भी हमारा इजी हो जाएगा और ऐसा कुछ लोड भी नहीं पड़ेगा। नया टायर लेके अब पता ना को रख के घर में रखूँगा तो वो वैसे भी ख़राब हो ही जाएगा। तो इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं ओखला जहाँ पर ये काम हो सकता है। अभी देखो वहाँ कुछ कन्फर्म नहीं है, वहाँ जाके देखना पड़ेगा। आपको पता है वो सेकेंड हैंड टायर के थोड़ा इधर से उधर घूमना बहुत पड़ जाता है। वो सीधा मिलता हूँ मैं डायरेक्ट शॉप पे ही, वहाँ जाके पता करते हैं कि क्या जी हमारे बाइक में जो हमें टायर चाहिए वो सेकेंड हैंड अवेलेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो चीज़ जो है हमें भी देखनी पड़ेगी। सो फाइनल हम लोग पहुँच चुके हैं टायर शॉप पे। अभी मेरे देख सकते हो रिजवान टायर शॉप। और भाई ये शॉप जो अराउंड 25 साल पुरानी शॉप है, ये है कहाँ, इसकी जो लोकेशन है वो लोकेशन बताऊँ, ये ओखला वाला डी पॉइंट है। यहाँ से बदरपुर से आने वाला रास्ता जो आता है पहलादपुर से आगे आगे रॉक, ये सीधा ओखला के निकल जाता है रास्ता, ओखला गोविंदपुरी और ये सीधा मिल जाएगा अकेत के लिए। तो उसके बिल्कुल सेंटर में ही है ये शॉप, आपको दिख जाएगी सामने रिजवान नाम से, लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगी। और भाई जो मैंने जो टायर सेलेक्ट करा है मैं दिखाता हूँ एक बार टायर, भाई ये देख रहे हो ये है टायर, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन, साइड से आप क्यों देख सकते हो, और एक भी पंचर नहीं है इस टायर पे। और ये टायर जो है वो लगने वाला हमारी बाइक की आगे वाले टायर पे, बिकॉज ये वाला जो टायर है ना भाई बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पकड़नी है भाई, पत्थर लगा दो उस पे नीचे ईट लगा दो। ये टायर अपना आगे का निकल चुका है और यहाँ से जाने वाला है अंदर, भाई करने वाले हैं टायर चेंज। तो भाई को देते हैं ये टायर यहाँ पर ही, भाई ये टायर कौन सा रेडियल में है कि थ्रेड वाला है, रेडियल वाला है, रेडियल वाला ही है अंदर, मतलब लोहे की तारे हैं ना। चलिए तो दोनों टायर्स हैं वो हमारे तार वाले हो जाएंगे, क्योंकि अंदर इसमें एक टाइप में दो टाइप के टायर्स आते हैं, एक होता है इसके अंदर थ्रेड लगी होती है और एक होता है जिसके अंदर तार होती है लोहे वाली वो लगी होती है। तो मैंने पीछे टायर जो लगाया था वो रेडियल टायर ही लगवाया था और आगे वाला भी हमारा रेडियल ही टायर हो जाएगा अब। और यहाँ भाई निकाल रहे हैं अपने टायर को, आप लोग देख सकते हो इतने सारे टायर्स हैं, यहाँ है, यहाँ है, एक दो इतनी लेयर, यहाँ ये पूरी वर्कशॉप है इनकी टायर्स की और इवन अंदर भी गोदाम है। तो आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो भाई सारे के सारे टायर्स मिलेंगे आपको। देखो ऊपर नया बिल्कुल ब्रिजस्टोन का एक टायर भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो भाई ये कुछ कंपार्टमेंट्स हैं, ये देखो ये अलॉय में भाई वर्क करते हैं। तो अगर किसी भाई को अलॉय और टायर्स के रिगार्डिंग में कुछ काम करवाना हो तो बिल्कुल एक बार यहाँ पर रिकमेंड जरूर करूँगा आप लोगों को आने के लिए। और भाई मैं जो देख पा रहा हूँ शायद आप नहीं देख पा रहे हो, भाई ये देखो स्प्लेंडर बाइक के टायर, और ये देखो ग्रिप देख रहे हो भाई बिल्कुल सॉलिड, बिल्कुल नया टायर ये देखो। तो एक काम करते हैं चलते हैं बाहर, कि भाई ने हमारा टायर जो है फिट कर दिया है। तो ये टायर लग चुका है, और ये हमारे इरफान भाई। तो इरफान भाई बताएंगे अपनी शॉप के बारे में कुछ हमें, इरफान भाई कुछ बताओ शॉप के बारे में। क्या बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं,
ऊपर वाले के लिए दिया था, सब सही है काम, काम बिल्कुल सही है। बाकी इस बस ने बड़ा दिमाग खराब कर रखा है सुबह से। नहीं ये तो चलता ही रहता है, ये तो भाई सरकारी है, इसमें तो कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये काम अपना बहुत बढ़िया है, काम की कोई दिक्कत नहीं। अलाइबिलो टायर का काम है हमारा कंप्लीट सारे, कोई सी भी कार, कोई सी बाइक के सारे, स्प्लेंडर बाइक से लेके बड़ी महंगी से महंगी बाइक, छोटी ऑल्टो से लेके जैगुआर तक के टायर सब, हर चीज, हर गाड़ी के टायर है। और भाई आपकी शॉप कितने साल पुरानी है? ये मेरी 25 साल पुरानी शॉप है। 25 साल पुरानी? जी जी। और भाई का नंबर जो मैं आपको दे दूंगा, तो जो कुछ आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप भाई से कॉल करके कंफर्म कर लेना। और भाई ये आपका एरिया कहाँ पड़ेगा ये बता दीजिए? ओखला मोड़ है ये, पलातपुर, पलातपुर का ओखला मोड़। तो भाई ये देख सकते हो, ये जो है ये पलातपुर का पॉइंट है, ओखला जाने वाला रास्ता सीधा जा रहा है, और ये सीधा निकलोगे साकेत का रास्ता, तो बिल्कुल आपको चौक से बिल्कुल टी पॉइंट के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में आपको शॉप दिख जाएगी भाई की। और थैंक यू इरफान भाई, आपने हमारी बहुत हेल्प कर दी। एक राइड पे जाने वाला था, एक्चुअली मैं राइड पे निकलने वाला हूँ, तो उसके मेरे को टायर लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर नहीं लगाता ना बिल्कुल ही ख़राब हो जाता मामला। बिल्कुल, अब ये टायर का काम ऐसा करते हैं तुम्हारा, दो तीन साल भूल जाओ टायर, दो तीन साल तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी कोई दिक्कत आया तुम्हारी दुकान तो भाई यहाँ पर है ही भाई। देखो काम में बेसिक सबसे बड़ी बात क्या होती है, ट्रस्ट चाहिए होता है, आप कुछ भी काम करवाते हो उसका। तो भाई ये भाई का जो प्यार ही है, जो हमें यहाँ तक भाई के पास खींच लेके आया है, पहली बार आया हूँ पर हाँ एक अच्छा बॉन्ड बन गया हमारा भाई के साथ, और जल्द ही जल्द भाई से मिलते भी रहेंगे टाइम टाइम, क्योंकि यहाँ पर तो यार आना लगा ही रहता है, तो अगली बार से यहाँ पर मिलते हुए जाएंगे। बिल्कुल पक्का। तो एक काम करते हैं, अभी ये सब कर लेते हैं, उसके बाद आपको और आगे दिखाता हूँ क्या करने वाला है, कि अभी दूसरा काम जो है वो भी इंपॉर्टेंट है करवाना है राइड पर जाने से पहले, तो मिलते हैं अभी बाद में। भाई भाई ले रहे हैं बाइक का ट्रायल, टायर जो है वो भी लग चुका है भाई ले रहे हैं इस टाइम पे, भाई एक बार ट्राई ले रहे हैं, मैंने ट्राई ले लिया है, तो मैंने कहा भाई भी देख लेंगे कुछ कमी पेशी होगी तो अभी यहाँ पर ठीक हो जाएगी। और भाई का जो नंबर जो है शॉप जो है वो है रिजवान टायर्स, और नंबर जो है मैं बता देता हूँ 9821653171। और एक बार दिखा भी देता हूँ, तो ये रहा रिजवान टायर्स, नंबर ये लिखा हुआ है, ये नंबर आपको नीचे लिखा भी आ रहा होगा। और भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैंने आज तक इतनी वैरायटी है जो टायर्स होते हैं वो कहीं नहीं देखे सेकंड हैंड की मार्केट में। मैं इवन कल भी गया हुआ था फरीदाबाद टायर्स की शॉप पे पता करने के, मैं कबाड़ा मार्केट में गया हुआ था और वहाँ पर ही मुझे कुछ नहीं मिल पाया, पर ये भाई जो स्टॉक है ना ये जेन्युइन स्टॉक है। एक बार आपको कहूँगा, रिकमेंड करूँगा एक बार आना भाई से कॉन्टैक्ट करके पता कर लेना, तो आपका काम जो होगा पक्का हो जाएगा 110% इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो एक काम करते हैं, मिलते हैं अपने फिर से मोटर वर्किंग सेटअप पे। यहाँ है हमारा राहुल भाई, अरे राहुल भाई लेके आए थे हमें, मिला है इरफान भाई से, तो चलते हैं इरफान भाई, धन्यवाद टायर लगाने के लिए। और भाई किसको टायर चाहिए हो तो भाई नाम देख लो, ये है रिजवान टायर शॉप, और मिलना भाई से जल्दी। और नंबर जो है मैं आपको भाई को लिख कर दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पर भाई को कॉल कर लेना किसी को कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो रिगार्डिंग पे। और चलते हैं हम लोग यहाँ से निकलते हैं आगे अपने दूसरे काम करें, तो भाई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो भी करना है आज। क्या राहुल भाई, बाय भाई। तो जी फाइनली अपने टायर का जो काम है वो भी हो चुका है, तो जी फाइनली अपना टायर जो है डल चुका है, टायर मिल गया, बहुत अच्छा कंडीशन है, ब्रांड न्यू था, टायर में एक भी पंचर नहीं है, अच्छी बात तो ये है। अब मेरे को अब देखो मैटर की बात यह है कि भाई टायर मुझे पड़ा कितने का है ना, तो जी टायर की मुझे कॉस्ट आई वो आई 600 रुपीज। आई नो कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे, बस सही बता रहा हूँ, मेरे को टायर की कॉस्ट बड़ी 600 रुपीज की है। यार देखो नया टायर देता है इस टाइम वो मेरे को मिलता कहीं अराउंड 2500 रुपये के करीब का, और मुझे अभी कुछ और काम भी करवाने हैं इससे रिलेटेड में बाइक में, तो मैंने कहा अभी वो काम मेरा ये टायर कर देगा, तो मैंने कहा यार क्यों लें इतना नया टायर, तो अभी ये काम करवा लिया। देखो ये काम भी बहुत बड़ा भाई, बिल्कुल जो मेरा पहले का जो मेरा आगे वाला टायर था ना यार, वो बिल्कुल ख़त्म टायर था, कि उसको लेके ना मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता था, है बच्चा देख के भाई शर्मा गया। तो भाई उस टायर के साथ ना मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता था, अब नया टायर डल गया भाई, एक ना
खुशी हो रही है कि हाँ भाई एक काम चलो हमने कर लिया है, और अब करना है इसका बाइक का सेकंड काम हुआ है तो थोड़ी सर्विस करवानी है, तो देखेंगे सर्विस करवाने भी निकलना है यार, देखो कब निकलते हैं।